अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली आप सब कैसे हैं उम्मीद है सब ठीक होंगे जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं आज बन रही है कलेजी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार कलेजी और बकर के बाद कलेजी कम कम बनती है घरों में लेकिन हम बना रहे हैं आफ्टर वन एंड हाफ वीक क्योंकि आजकल बच्चे ना आयरन की कमी का शिकार है मेरे समेत मेरा भी आयरन कम हुआ हुआ है तो हम लोगों को डॉक्टर ने सुजेस्ट किया है कि आप लोग कलेजी खाएँ कलेजी जो है ना फुल ऑफ आयरन और ये खून बनाती है और इसमें काफ़ी एनर्जी है आजकल के मौसम में ये आप भी बच्चों को दें तो ये देखें जी कलेजी और ये कलेजी का मसाला इसमें है हल्दी नमक दादर मिर्च ज़ीरा काला और सफ़ेद दोनों और कसूरी मेथी और सात सूखा धनिया और दरमियान में है गर्म मसाला और पिंक सॉल्ट ये लहसुन अदरक का पेस्ट है पीछे आपको आवाज़ें भरपूर आ रही हैं कि क्या रौनक लगी हुई आज सैटरडे का दिन है और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं बना रही हूँ और जी अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं मैं इसको सबसे पहले ना मैरिनेट करूँगी और योगर्ट और थोड़ा सा विनीग और लेमन लगा के और ये वाले सारे मसाले लगा कर मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे जी अब सबसे पहले हमने बाउल ले लिया बाउल में हम डाल देंगे योगर्ट ठीक है दूसरी भी डाल योगर्ट आप ज़्यादा डालें क्योंकि ये हाजमा करेगी चीज़ों को उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये वाले सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ठीक है फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी कलेजी, कलेजी शामिल करेंगे एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ठीक है और फिर हम इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे लेमन तकरीबन चार से पाँच मैंने लिए हैं और वो हम अब इसके अंदर डालने लगे हैं बीज उसके अलग कर लेंगे ये जो ऊपर बीज आ गए हैं, ये फिर हम उठा लेंगे ठीक है अब योगर्ट लिया योगर्ट के अंदर जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो शामिल किए फिर इसके ऊपर चार से पाँच हमने लेमन निचोड़ दिए अब तकरीबन हम इसको ना आधा पौना घंटा या कम से कम एक घंटा मैरिनेट रहने देंगे मैरिनेशन का ये फ़ायदा होगा कि सारे मसाले अच्छी तरह ना हमारी कलेजी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसका जो स्मेल होती है कलेजी की वो निकल जाएगी तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा ज़्यादा अहम है बात यह कि इसकी स्मेल निकल जाए इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से ना ये ऊपर जो बीज आ गए ये आप हटा लें जैसे ये मैं हटा रही हूँ सारे बीज निकाल लें अच्छा अब इसको हिला लें अच्छी तरह सारी मैरिनेशन को ताकि कलेजी के ऊपर अच्छी तरीके से सारी मैरिनेशन लग जाए ये सारी मैरिनेशन जब इसके ऊपर लग जाएगी और फिर आप इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये मैरिनेशन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए हो गया जी। अब इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे और ये मैरिनेटेड कलेजी डाल के हम इसको भूनेंगे अभी इसके अंदर मैं सिर्फ दो चम्मच के करीब ऑयल भी डाल दूँगी उससे ये होता है कि कलेजी जो है ना वो नरम रहती है दो चम्मच आप ऑयल डाल लें और उससे ये होगा कि हमारी कलेजी ना नरम रहेगी ये देखें ये दो भर के चम्मच ऑयल के डाल दी अच्छा अगर आप सॉल्ट बाद में डालें ना तो उससे भी कलेजी सॉफ्ट रहती है नमक पहले ना डालें तो लेकिन अभी मैंने नमक पर साथ ही शामिल कर दिया है लेकिन अगर आप बाद में डालेंगे तो उससे भी कलेजी सॉफ्ट रहेगी ठीक है अब हम इसका मसाला बनाकर तो कलेजी को अच्छी तरह उसके अंदर भूनेंगे और फिर ऊपर हरी मिर्च और अदरक डालेंगे तो फाइनल शक्ल मैं आपको बाद में दिखाती हूँ धनिया हरी मिर्च अदरक लास्ट में डलेगी बाकी प्रोसीजर में आपको दिखाती हूँ और आधा पौना घंटा ये मैरिनेट रहेगी जी अब हमने ये कुकर के अंदर प्याज डाल दिया और इसके अंदर फिर से हम ऑलिव ऑयल फोर टेबल स्पून ये देखें ये वाले डाल रहे हैं ठीक है क्योंकि हमने ऑयल उसमें भी मिलाया था तो इसमें हम चार चम्मच डालेंगे दो चम्मच उसमें था ठीक है अब इसको जब बस थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिला देंगे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये देखें आपके सामने ये भुन रहा है और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिला देंगे फिर अंदर डाल के ना अपनी कलेजी तो हम इसको थोड़ी देर के लिए वेट लगाएंगे तकरीबन सिर्फ दस मिनट के लिए और मज़ीद पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि योगर्ट भी पानी छोड़ेगी कलेजी भी पानी छोड़ेगी और वो पानी काफ़ी होगा और फिर हम उसको दोबारा से भुनेंगे तो अभी ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं जी अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है प्याज थोड़ा सा ब्लांच हुआ है बस और इसको अब हम स्टर करेंगे थोड़ी सी जब इसकी खुशबू आ जाएगी तो फिर इसके अंदर हम वो शामिल कर देंगे मैरिनेटेड कलेजी ठीक है अब हम इसके अंदर कलेजी शामिल करके तो इसको वेट लगाएंगे और भुनेंगे हम एंड पे। ये देखेंगे सारी मैरिनेटेड कलेजी हमने अंदर डाल दिए और अब हम इसको हल्का सा हला के पानी जितना इसके अंदर है उसी पानी के साथ इसको कलेजी को गला लेंगे ठीक है बस अब मैं इसको वेट लगाऊंगी बंद करूंगी और जब भूनने का टाइम आएगा ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी अब इसको तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए हम लोग वेट लगा के छोड़ देंगे उसके बाद इसको हम भूनेंगे और कलेजी तैयार हो जाएगी जी अब हमने इसको भून लिया भून कर ये रेडी हो गई है और अब मैं इसको डोंगे में निकाल कर इसके ऊपर अदरक हरी मिर्च और धनिया डाल दूंगी तो थोड़ी देर 10 से 15 मिनट भूनने के बाद इसकी शक्ल इस तरह है की स्वहा आ अच्छा गाइस देखिए मेरी मामा ने क्या क्लेजी बनाई है वाओ इट इज लुकिंग मारलेस यू शुड ऑल ट्राई <laughs> मेरी मामा पे लिपस्टिक लगा के जब बनाती है ना एक्स्ट्रा स्वादिष्ट होता है जी अब कलेजी तैयार हो गई और फातमा की कमेंट्री बंद कराना मुश्किल है अब इन शाला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आज हमने यही पकाया था और मज़ीद कुछ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है अब तक के लिए इतना ही है जी अब आप ये आपके साथ संडे का डे शेयर कर रहे हैं और ये मैं अपनी बहन के घर खाने पे गई थी मेरी जो मिडल वाली सिस्टर है उसकी तरफ तो कितना खूबसूरत उन्होंने टेबल डेकोरेट किया हुआ बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड हैविंग अ वंडरफुल टाइम विद यू तो ये आप टेबल की डेकोरेशन देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने खाना बनाया हुआ था और ये मेरी बहन का घर है हल्का सा व्यू आपको करवा देती हूँ ताकि आप भी हमारे साथ इन्जॉय करें हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया संडे था और बड़ा मज़ा आया और ये पेंटिंग मेरी बहन ने ख़ुद की हुई है पॉट्स के ऊपर वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं तो पहले भी मैंने आपको उनकी पेंटिंग की वीडियोस भी डाली हुई हैं और उनके घर में मिलाद हुआ था वो वीडियो भी डाली हुई है तो अच्छा आ, हमने क्वालिटी टाइम आपस में बहनों ने स्पेंड किया ये खीर बनाई भी थी उन्होंने और इसके बाद मैं अब आप आपको दिखाती हूँ कि हमने टेरेस पे बैठ कर चाय पी और बस दिन ख़त्म हो गया आपस में बैठ के और वीकेंड पे आप फैमिली गेट टुगेदर रखें कोई भी फ्रेंड्स के साथ किसी फैमिली मेम्बर के साथ माँ बाप के साथ मिलें इंजॉय करें फिर सबने मिल के चाय पी और इंजॉय किया थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मोनाज चैनल कीप वॉचिंग मोनाज चैनल प्लीज़ लाइक एंड शेयर थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़